हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक्कीज़ टेस्टी फ्लेवर्स। आज मैं चॉकलेट स्लैब का यूज़ करके डिफरेंट फ्लेवर्स वाली चॉकलेट बना रही हूँ। बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी फेवरेट है चॉकलेट्स, तो मैं सबको पसंद आए वैसी चॉकलेट्स बना रही हूँ। और स्पेशली बच्चों के लिए मैरी बिस्किट वाली और वेफर बिस्किट वाली चॉकलेट्स भी बनाऊँगी। और फिर यही चॉकलेट्स यूज़ करके मैं बहुत ही सिंपल वे से चॉकलेट बुके बनाऊंगी, जो आप किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हो। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये चॉकलेट बुके, और इसके जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। पहले चॉकलेट्स बनाएंगे और फिर चॉकलेट बुके बनाएंगे। सबसे पहले हम चॉकलेट स्लैब लेंगे और उसे पीसेस में कट कर लेना है। मैंने यहाँ मॉर्डे कंपनी के चॉकलेट स्लैब लिए हैं। डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों को कंबाइन करके हमें चॉकलेट यूज़ करनी है। डार्क कंपाउंड जो है उसका टेस्ट थोड़ा बीटर रहता है और मिल्क कंपाउंड का टेस्ट स्वीट रहता है, इसलिए हमें बीटर वाला और स्वीट वाला दोनों को मिक्स करके ही यूज़ करना है। और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक स्लैब स्वीट ले रहे हो तो दो स्लैब बीटर का ले सकते हो, या फिर दोनों इक्वल भी ले सकते हैं। जैसे दो स्लैब बीटर के और दो स्लैब स्वीट चॉकलेट के, या फिर सिर्फ बीटर वाला भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ स्वीट वाला भी ले सकते हैं। पहले हमें इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। पीसेस में कट कर लेंगे तो चॉकलेट जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। और इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि चॉकलेट स्लैब को फ्रीज में नहीं रखना है। अगर आपका पैकेट पैक है तो उसे फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अगर आप खोलते हैं पैकेट को और थोड़ी सी बच गई है चॉकलेट, तो आप उसे एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होगी, लेकिन फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैं यहाँ दोनों चॉकलेट्स इक्वल कंसिस्टेंसी में यूज़ कर रही हूँ। चार स्लैब स्वीट वाले लिए हैं मैंने और चार स्लैब बीटर वाले। एक स्लैब के अंदर इस तरह से चार स्लैब के पीसेस आते हैं। मैंने सारे चॉकलेट्स को पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में पानी बॉयल करने रख दिया था। पानी अच्छे से बॉयल हो जाए उसके बाद हम गैस को स्लो कर देंगे और इसके ऊपर चॉकलेट का बाउल रख देंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि चॉकलेट का बाउल जो है वो बड़ी साइज़ का होना चाहिए, और जिसमें हमने पानी गर्म करने रखा है वो बर्तन की साइज़ थोड़ी छोटी होनी चाहिए, और पानी जो है वो चॉकलेट के बाउल को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसके जो वेपर्स है वो आने चाहिए, जिससे कि चॉकलेट जो है वो इजीली मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ हमें गैस को बिल्कुल स्लो रखना है और इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है, तो चॉकलेट जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे तो हर एक या दो मिनट के बाद मिक्स करना है और फिर से माइक्रोवेव में रखना है, फिर से दो मिनट के बाद निकाल के मिक्स करना है, और इस तरह से तीन से चार बार करना है। जब तक चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको माइक्रोवेव में इसी तरह से करना है। लेकिन मुझे तो ये डबल बॉयलर वाला मेथड ही अच्छा लगता है, तो मैं तो नॉर्मली यही मेथड से चॉकलेट मेल्ट करती हूँ। डबल बॉयलर से चॉकलेट में बहुत ही अच्छी शाइन आती है, और माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो उसकी शाइन थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ मेरी चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है चॉकलेट में। इसी तरह से हमें चॉकलेट मेल्ट करनी है, लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अब हम बाउल को गैस के ऊपर से निकाल लेंगे, और इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि चॉकलेट में पानी के ड्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, वरना चॉकलेट हार्ड हो जाएगी।
अब हमें चॉकलेट को टेम्पर करना है। टेम्पर मीन्स कि हमें चॉकलेट को इस तरह से चलाते रहना है 5 से 10 मिनट के लिए। इससे चॉकलेट में बहुत ही अच्छी शाइन आएगी और चॉकलेट जो गर्म रहती है वो भी ठंडी हो जाएगी। गर्म चॉकलेट को हम मोल्ड में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए टेम्परिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहना है। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, चॉकलेट बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैंने इस तरह के चॉकलेट मोल्ड्स ले लिए हैं, उसमें हम चॉकलेट ऐड कर देंगे। हाफ ही फिल करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें फीलिंग्स भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये मैंने रोस्टेड आलमंड्स ली है, मैंने बादाम को हल्का सा सेक लिया है। रोस्टेड आलमंड्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चॉकलेट के साथ, तो वो हम ऐड कर देंगे और फिर चॉकलेट से कवर कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह के स्लैब नहीं है तो आप कोई भी आइस क्यूब की ट्रे रहती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्लेट में या कटोरी में किसी में भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीलिंग है रोस्टेड कैश्यू नट्स। मैंने यहाँ काजू को भी हल्का सा सेक लिया है और फिर इसके पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इसको भी हम चॉकलेट से कवर कर देंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वॉलनट्स, अखरोट। अखरोट को भी मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अखरोट को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टेस्ट ऐसे ही बहुत ही अच्छा आता है। और अखरोट और चॉकलेट का टेस्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है किशमिश, जो ड्राइड ग्रेप्स रहती है वो ग्रीन वाली किशमिश ली है मैंने, वो ऐड कर देंगे और उसको भी चॉकलेट से कवर कर देंगे। सारी चॉकलेट्स रेडी है, ये ड्राई फ्रूट की चॉकलेट है। इसको अच्छे से टैप करेंगे और फ्रीज में सेट करने रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। अब मैंने यहाँ नेक्स्ट मोल्ड लिया है, इसमें हम ये मिंट फ्लेवर की चॉकलेट ऐड करेंगे। कोई भी मिंट फ्लेवर की चॉकलेट आप ले सकते हैं, और उसको मैंने क्रश कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। यहाँ आप मिंट फ्लेवर का एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये चेरीज ली है मैंने, उसको पीसेस में कट कर लिया है। जो मीठी वाली चेरी मार्केट में मिलती है वो ली है मैंने, और फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चेरी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और मिंट का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चॉकलेट के साथ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सूखा हुआ खोपरा, जो रेडीमेड मिल जाता है मार्केट में, वो ऐड कर देंगे। इसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कह सकते हैं। चॉकलेट के साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। जो बाउंटी बार्स मिलती है शॉप्स में, वैसा ही टेस्ट आता है इसका भी। अब हम सारी चॉकलेट्स को ऊपर से चॉकलेट से कवर कर देंगे और अच्छे से टैप करेंगे। ये टैप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फिर फ्रीज में सेट करने रख देंगे। अब मैंने यहाँ दूसरा मोल्ड ले लिया है। यहाँ मैं पान का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, जो मीठा वाला पान रहता है वो लिया है मैंने। उसको इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे, और साथ में मैंने गुलकंद, टूटी फूटी और चेरी को मिक्स कर लिया है, और इसमें हम ये मीठा वाला पान को पीसेस करके ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट के साथ पान का टेस्ट बेस्ट है, और हमारे घर में तो सबको ये बहुत ही पसंद है।
ये फ्लेवर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मोल्ड में ये फिलिंग भी ऐड कर देंगे। सारी चॉकलेट्स में मैंने पान फ्लेवर की फिलिंग ऐड कर दी है। अब हम इसे चॉकलेट से कवर कर देंगे और फिर अच्छे से टैप करके फ्रीज में सेट करने रख देंगे। टैप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर टैप नहीं करेंगे तो इसमें अंदर बबल्स रह जाएंगे और चॉकलेट अच्छे से अनमोल्ड नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कड़ी पत्ते, जो करी लीव्स रहती है हम दाल में यूज़ करते हैं, उसको मैंने कड़ी पत्ते को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है और चॉकलेट्स मोल्ड में मैंने चॉकलेट्स ऐड कर दी है और चॉकलेट्स के बीच में हम ये कड़ी पत्ते रख देंगे और फिर चॉकलेट से कवर करके अच्छे से टैप करेंगे और फ्रीज में सेट करने रख देंगे। अब नेक्स्ट है मैरी बिस्किट की चॉकलेट, ये बच्चों की फेवरेट है तो ये तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने यह नॉर्मल वाले जो मैरी गोल्ड लाइट बिस्किट आते हैं वो लिए हैं, उसको हम चॉकलेट में अच्छे से डीप करेंगे और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको निकाल देंगे और फिर प्लास्टिक शीट के ऊपर रख देंगे। सारे मैरीगोल्ड बिस्किट को इसी तरह से करना है। इसमें आप टॉपिंग्स में कुछ स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं या चॉको चिप्स है वो उससे डेकोरेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका भी। अब नेक्स्ट यहाँ मैं ये वेफर बिस्किट ले रही हूँ। मैंने ये प्लेन वेनिला फ्लेवर के वेफ़र बिस्किट लिए हैं, यहाँ आप चॉकलेट फ्लेवर के या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के भी यूज़ कर सकते हैं। ये वेफ़र बिस्किट को भी हमें इसी तरह से चॉकलेट में अच्छे से डीप करना है, साइड से भी चॉकलेट से अच्छे से कवर कर देंगे और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकाल देंगे और प्लास्टिक शीट के ऊपर रख देंगे सेट करने के लिए। यहाँ आप डेकोरेशन में चॉको चिप्स है, स्प्रिंकल्स है, कलरफुल स्प्रिंकल्स है या जैम्स है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सारे वेफर बिस्किट्स को इसी तरह से डीप करके रखेंगे और फिर फ्रीज में सेट करने रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। मैरी बिस्किट और वेफर बिस्किट की चॉकलेट रेडी है, इसको हम अनमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ जो साइड से एक्स्ट्रा चॉकलेट दिख रही है उसे हम सीजर से कट कर देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। सारी चॉकलेट्स को हम इसी तरह से फिनिशिंग देंगे और ये जो चॉकलेट के स्क्रैप्स निकले हैं उसको आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। सो बच्चों की फेवरेट मैरी बिस्किट और वेफर बिस्किट की चॉकलेट रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम बाकी की चॉकलेट्स भी अनमोल्ड कर लेते हैं। सारी चॉकलेट्स रेडी है, ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाली चॉकलेट बनाई थी वो है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। इसे अनमोल्ड कर लेंगे, लाइटली थंब से प्रेस करना है तो ये इजीली निकल जाएगी।
ये जो हमने कोकोनट फ्लेवर, चेरी फ्लेवर और मिंट फ्लेवर की बनाई थी वो भी अच्छे से सेट हो गई है, उसे भी अनमोल्ड कर लेंगे। और ये जो पान फ्लेवर की बनाई थी वो भी रेडी है, ये भी हम अनमोल्ड कर लेंगे। सारी चॉकलेट सर्व करने के लिए रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये चॉकलेट। अब हम फटाफट चॉकलेट बुके बना लेते हैं। चॉकलेट बुके बनाने के लिए मैंने यहाँ 15 to 16 चॉकलेट्स ली है, और हमें चाहिए कुछ इस तरह की रबर बैंड्स, और ये बड़ी वाली स्टिक है जो वुडन स्टिक आती है टूथपिक जैसी, वही है लेकिन बड़ी साइज़ की है, और सिल्वर टेप ली है, और चॉकलेट रैप करने के लिए कुछ पेपर्स लिए हैं। गिफ्ट रैप करने के पेपर्स रहते हैं वही पेपर्स है, ये शॉप्स स्टेशनरी शॉप्स में इजीली मिल जाएंगे। और ये टैकी टेप है, डबल साइडेड टेप भी कह सकते हैं, लेकिन ये पतली वाली डबल साइडेड टेप है। अब हम यहाँ जो मैरी बिस्किट वाली चॉकलेट बनाई थी उसको रैप करेंगे, 4 कॉर्नर्स को जॉइंट करेंगे पहले। और अब इसके ऊपर हम टैकी टेप जो डबल साइडेड टेप है वो लगा देंगे। अब हम ये बाकी की चॉकलेट्स भी रैप कर लेते हैं, वो उसमें चॉकलेट के सेंटर पॉइंट में हम ये स्टिक लगाएंगे और फिर रैपर के बीच में चॉकलेट रखेंगे और अच्छे से कवर कर देंगे। और फिर इसके ऊपर रबर बैंड लगा देंगे। यहाँ अगर आपको बड़ा वाला बुके बनाना हो तो आप बड़ी साइज़ की स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। सारी चॉकलेट्स को हम इसी तरह से रैप कर लेंगे। हमने जो मैरी बिस्किट वाली चॉकलेट रैप की थी उसको उसमें हम पीछे स्टिक लगाएंगे। ये टैकी टेप इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गिफ्ट पेपर के ऊपर टैकी टेप जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाती है। पहले हम स्टिक रखेंगे और उसके ऊपर ये टैकी टेप लगा देंगे। ये वाली चॉकलेट मैं अभी बुके में यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं सिर्फ आपको इसकी रैप कैसे करते हैं वही दिखा रही हूँ। आप चाहे तो ये सिर्फ ही मैरी बिस्किट वाली चॉकलेट का भी बुके बना सकते हो, या फिर ये चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको बच्चों के लिए बना रहे हो तो सिर्फ ये मैरी बिस्किट वाली और वेफर बिस्किट वाली चॉकलेट्स का बुके भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा बनता है वो भी। सारी चॉकलेट्स को मैंने अच्छे से रैप कर लिया है, अब हम बुके बना लेंगे। बुके बनाने के लिए मैंने यह इस तरह का सिल्वर कलर का पेपर लिया है, शाइनिंग वाला, ये थोड़ा हार्ड वाला पेपर है, इससे कोन अच्छे से बनेगा और चॉकलेट्स भी इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी। इसका हमें कोन बनाना है और ये पेपर जो है वो स्क्वायर रहना चाहिए।
अब हम यहाँ पेपर की एक साइड पे ये डबल साइडेड टेप लगा देंगे। और फिर इसका ऊपर का जो पार्ट है वो निकाल देंगे। अब हम कोन बना लेंगे और फिर स्टिक कर देंगे। कोन बन के रेडी है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ हमें चॉकलेट को इस तरह से सारी चॉकलेट्स का बंडल बनाना है और फिर रबर बैंड लगानी है। यहाँ हम चॉकलेट्स में पीछे की साइड लंबी वाली स्टिक वाली जो चॉकलेट है वो रखेंगे और आगे की साइड छोटी स्टिक वाली चॉकलेट्स रखेंगे। अब हम चॉकलेट की हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ स्टिक के ऊपर या फिर कोन के अंदर ग्लू गन से ग्लू लगा रही हूँ और फिर कोन के अंदर हम स्टिक जो बंडल बनाया है चॉकलेट का वो रख देंगे। ग्लू गन हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ ताकि चॉकलेट जो है वो अंदर अच्छे से स्टिफ हो जाए। मैंने कोन के अंदर थोड़ी सी ग्लू गन लगा ली है और इसके ऊपर हम ये चॉकलेट का बंडल रख देंगे और स्लाइटली प्रेस कर देंगे। अब हम चॉकलेट बुके को डेकोरेट करेंगे। यहाँ मैं डेकोरेट करने के लिए सिल्वर रिबन का फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम कोन के ऊपर डबल साइडेड टेप लगाएंगे। और फिर इस तरह का फ्लावर लिया है मैंने, ये आपको स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएगा और अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो यूट्यूब में इसके बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एंड अट्रैक्टिव हैंड बुके विद होममेड चॉकलेट रेडी है। आप भी ये बुके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। किसी को बर्थडे पार्टी में गिफ्ट कर सकते हैं या वेडिंग पार्टी में भी आप गिफ्ट कर सकते हो। बहुत ही अट्रैक्टिव हैंड बुके है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस अच्छे लगे हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।